हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। देखेंगे हम आपके पार्टनर के लिए कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, या आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, और आपको जानना है कि आपके पर्सन आज पूरे दिन आपके लिए क्या फील कर रहे थे। तो ये रीडिंग में आपको पता चलेगा कि वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स क्या थे आपके लिए। आज पूरे दिन की एनर्जी को हम करने वाले हैं, और वो भी कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर, है ना, वाली एनर्जी में हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें हम करने वाले हैं इस रीडिंग के माध्यम से। काफ़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी हमें एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से मैसेज प्रोवाइड होगा ना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है, ठीक। मैं ये रीडिंग किसी एक पर्सन के लिए नहीं कर रही हूँ, सबके लिए कर रही हूँ, सबके लिए, ठीक। तो ये रीडिंग सबके लिए रहेगी। और एक चीज़ और, आप लोग कहते हो जोडियक साइन बता दीजिए, जोडियक साइन बता दीजिए, कैंडल वैक्स रीडिंग हो या कोई भी रीडिंग हो, ठीक है, टारो कार्ड ही क्यों ना हो, कोई जोडियक साइन जो है ना वो नहीं करती है, वैलिड नहीं करती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, आपकी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। कि यहाँ पे आप जो है ना साइन को देखोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो साइन वाला पर्सन का सोच हो, ठीक है, अदर साइन के भी सोच हो सकते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना आपको समझनी चाहिए। अब हम करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आता है, क्या यूनिवर्स की तरफ से आता है, आपके पर्सन आज पूरे दिन क्या फील कर रहे थे, आपकी पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे थे पूरे दिन। सो फोकस कीजिएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए लाइट करते हैं इसको, फोकस कीजिए कैंडल के लाइट के ऊपर। ओके, चलिए आज पूरे दिन आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे आपके लिए। ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन आज किसी अपने वर्शिप प्लेस पे गए थे, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। मुझे यहाँ पे अचानक से एक मंदिर दिखा, या कोई चर्च कह सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो दो इंसान है ना, तो वो चीज़ें जो है ना मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन आपके लिए ब्लेसिंग्स मांगने के लिए भी गए हुए थे। एक बेबी मुझे नज़र आ रहा है, बेबी, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन जो है ना काफी कनेक्ट रहना चाहते हैं अभी आपसे। नवरात्रि के टाइम में इस पर्सन को लगता है कि आप एक देवी के समान हो, या होता नहीं, जैसे कि आपकी जो एनर्जी है वो काफी बेहतरीन है, काफी हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है। आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना आज पूरे दिन ये चीज़ें चल रही थी। आपने कभी रेड कलर की साड़ी पहनी, या जो मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, उनकी पर्सन ने रेड कलर की साड़ी पहनी ना, तो वो चीज़ें जो है ना आपने जो कहा था और उन्होंने जो कहा था, ये सारी बातें याद आती हुई दिखाई दे रही हैं। आज किसी ने येलो येलो पहना है, येलो 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 कलर,
मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ना आपको पैनी नज़र से देख भी रहे हैं, मतलब आपको ना बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं, छुपी छुपी नज़र। छुपी हुई नज़र, झुकी हुई नज़र, यस आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। ये पर्सन आपके बहुत करीबी हैं, और ये पर्सन कि आप बहुत करीबी हो, दोनों के बीच में उम्र का फासला दिख रहा है मुझे। एज गैप मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। लगता है जैसे कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, और आप भी इनके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हो। ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन ना आपके बहुत करीब थे, बहुत करीब, और अचानक से ये पर्सन ने अपने आप को दूर किया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगे हैं अभी, खामोशी जैसे इनको अच्छी लग रही है। खामोश हो गए हैं पूरी तरीके से, खामोश, खामोशी, पूरी एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि पर्सन के चेहरे पे ना खामोशी के अलावा और कुछ नहीं है, खामोश है एकदम से। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन के चेहरे से ना किसी ने जैसे हंसी चुरा ली हो। ये पर्सन बार 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 चीज़ों को लेकर, बार बार अपने बातों को लेकर, बार बार अपने रिश्ते को लेकर के ना समझने की कोशिश बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके पर्सन बार बार समझने की कोशिश, बार बार चीज़ों को समझना समझाने की कोशिश है ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे 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 बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो ये पर्सन कर रहे हैं। ये पर्सन कर भी नहीं पा रहे कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के ना ये पर्सन कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। दिल दिमाग इनका पूरा फ्रस्ट्रेट है, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में है ये पर्सन। ये जो है ना सॉन्ग चैनल हुआ अचानक से, आपके पर्सन का कुछ ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कुछ खो गया है, कुछ गुम हो गया है, और उसे पीछे ये पर्सन भाग रहे हैं। जैसे कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं दिल नहीं कर रहा है, किसी से बात करने की कोई इच्छा नहीं हुई आज, किसी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा है आपके पर्सन का। आज एकदम दिन बड़ा बोरिंग बोरिंग गया है, जैसे बैठ करके ये पर्सन दिन काट रहे हो ऐसा। आपकी यादों में ये पर्सन पागल पागल रहते हैं। ये पर्सन की आंखों में जो है ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, आंखों से कम दिखना स्टार्ट हो चुका है आपके पर्सन को। आपके पर्सन का सूर्य खराब हो रहा है, इनकी बर्थ चार्ट में इनका सूर्य वीक हुआ है। ये पर्सन के अंदर एंजाइटी स्ट्रेस का भी दिख रहा मुझे। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन का धीरे 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 एहसास होना, धीरे धीरे एक दूसरे को एहसास करना, धीरे धीरे एक दूसरे के लिए बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है इस रिश्ते के लिए आपके पर्सन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये पर्सन को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लग रहा है जैसे कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा है, आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली जो है ना इस कनेक्शन में है, और ये पर्सन को आप दिल से प्यार करते हो, दिल से। और ये पर्सन का भी मुझे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ने आपको कुछ कहा था जो आपने नहीं किया शायद, वो चीज़ आपके पर्सन के माइंड में बार बार चल रही है कि मेरे कहने के अनुसार से उसने नहीं किया या नहीं माना या नहीं मानी, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। आपने कुछ इनके बातें नहीं मानी हैं, जिसका गुस्सा मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन के अंदर। इस पर्सन को मैं देख पा रही हूँ जैसे कि खामोशी से ना ये पर्सन जिद करते हैं, खामोश रह करके ये पर्सन आपको तड़पा रहे हैं। पूरी तरीके से ये पर्सन खामोश हैं, खामोश हो गए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी से चले क्या गए, ये पर्सन ना अपनी हंसी भूल गए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन ने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल ली है। हंसना भूल गए हैं ये पर्सन। हंसना ये पर्सन भूल गए हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि यस, ये पर्सन के अंदर ना वो हंसने वाली एनर्जी कहीं ख़त्म हो गई है। ये पर्सन बहुत दिल के रोग से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। दिल का रोग जो है ना वो बहुत बुरा होता है, आपने सुना ज़रूर होगा। बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन दिल के रोग से, दिल के तकलीफ़ से ये पर्सन बहुत गुजर रहे हैं। ये पर्सन का तो ऐसा भी हो रहा है कि पर्सन जो है ना आज पूरे दिन मुस्कुराए भी नहीं है। ये पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पर्सन क्या करे क्या ना करे, कैसे करे कैसे ना करे। बड़े ही रास्ते अजीब हैं ना, लाइफ इनकी जैसे कि जगल कर रही है इनके साथ, इनको ही बता रही है कि भाई तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। आपके पर्सन आपकी यादों से कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये पर्सन को ये लग रहा है आज ना, आज पूरे दिन लगा है कि क्या उसे मेरी याद नहीं आती, या उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे मेरी याद ही नहीं आती, या उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं उससे बात करूं ना करूं, मैं उसके साथ कांटेक्ट में रहूं ना रहूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पर्सन को हमेशा लगता था कि आप इनके लिए पॉजिटिव सोचते होगे, आप इनके लिए पॉजिटिव सोचते हो, आपका इनका पॉजिटिव माइंडसेट, दोनों एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा सोचना, दोनों एक दूसरे के लिए इतना फील करना, इतना केयर करना, अगर दोनों ने करी है तो क्या बात है।
दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये पर्सन को फील हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को बड़ी इंतहा मोहब्बत करते हैं, और दोनों के अंदर ना जैसे खामोशी बहुत ज़्यादा है। खामोश हैं आपके पर्सन, खामोशता चेहरा, खामोश सी बातें, खामोश सी एनर्जी, बहुत खामोश। ये पर्सन पूरे खामोश हो गए थे, पूरे खामोश। ये पर्सन को कल रात से नींद नहीं आई है, कल रात से एक बार भी ये पर्सन ने अपनी आंखें नहीं झपकाई हैं। ये पर्सन जैसे कि खुद को भूल गए हैं, और आज आपकी याद में ये पर्सन तन्हा तन्हा अकेले अकेले से रहने लगे हैं। तन्हा तन्हा अकेले अकेले, और अकेलापन इतना ज़्यादा है ना कि कहाँ नहीं जा सकता। अकेलेपन का वो होना, अकेलेपन में पड़ जाना, अकेलेपन में तकलीफ में आना, दर्द में आना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के मन में ना बहुत ज़्यादा मुझे वो दिख रहा है। जैसे होता ना कि जैसे कि आप वो है ना, वो सॉन्ग, आप मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, वही है। आपके आपके तकलीफ़ को देख के ये पर्सन को तकलीफ़ हो रहा है। आपके दर्द को देख के ये पर्सन को दर्द हो रहा है। भली भांति ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने सहा होगा, किस तरीके से आपने बर्दाश्त किया होगा, किस तरीके से किन चीज़ों को लिया होगा आपने। ये पर्सन को भली भांति समझ में आ रहा है। आप इस पर्सन के लिए कुछ भी कर लो, आपका कहीं नाम नहीं है। ये पर्सन को लग रहा है जैसे कि मैंने सब किया, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी बातें इस पर्सन ने आपको बताई थी। इस पर्सन को लगता है कि आपने वो बातें किसी न किसी से शेयर करी होगी इनके लिए। इस पर्सन के मन में गलत भावनाएं भी हैं आपको लेकर, जैसे कि आप किसी से इनकी शिकायत करते होगे, किसी से इनकी बिचिंग करते होगे, क्योंकि आप गुस्से में अक्सर करते हो इनकी बिचिंग। आज ये पर्सन को फील हो रहा था कि न जाने क्यों मैं बार बार उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ। मैं खुद को रोकना चाहता हूँ लेकिन रुक नहीं पा रहा मुझसे। ये पर्सन को फील हो रहा था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। शाम को चिल आउट करने कहीं किसी दोस्त के साथ पार्टी वार्टी का भी प्लान बना रहे थे कि आज मैं यहाँ जाऊँगा या ये करना है वो करना है ताकि थोड़ा सा रिलैक्स फील हो सके। आपके बिना ये ज़िंदगी उनकी अधूरी लगती है, ये सफ़र सूना सूना लगता है, हर खुशी अधूरी लगती है, हर पल बेअसर लगता है। आपकी उम्मीदों का ये हर लम्हा जी रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन इतने ज़्यादा मतलब ये हो चुके हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि खोई खोई सी एनर्जी में रह रहे हैं। इनके यहाँ हो सकता है कि बरसात भी हो रही हो, बारिश भी हो रही हो, और उस समय आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आती है। आपकी बात का बहुत असर हुआ है आपके पर्सन के ऊपर, आपकी किसी बात का असर बहुत हुआ है इस पर्सन के ऊपर, बहुत ज़्यादा।
आंखें जैसे इनकी तरस रही हैं आपको देखने के लिए, आपको फील करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए। पर्सन बहुत बेचैन हो रहे हैं, बहुत बेताब हो रहे हैं। आपको खोने का भी ये पर्सन को अफसोस हो रहा है। क्यों दिल के रास्ते हमेशा अधूरे रहे, तेरी यादों के सिवा सब दूर रहे। इस दर्द की गहराई में खो गया हूँ मैं, बिन तेरे जीने की चाहत खो गया हूँ मैं। समझ रहे हो ना, ये पर्सन के अंदर ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी है ना, जहाँ पे आपकी यादों में हर पल ये पर्सन रो रहे हैं। आपकी यादों में हर पल ये पर्सन रो रहे हैं। खामोश खामोश होकर के बैठे हैं ये पर्सन। इस पर्सन की खामोशी जैसे कि लगता है ना, जैसे कि अब इस पर्सन को ही रास नहीं आ रही है, इनकी खामोशी इनको ही रास नहीं आ रही है। अब इनको लग रहा है कि जैसे कि मैं खामोश हूँ, यानी कि सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। ये पर्सन को ये भी लगता है जैसे कि पर्सन ने बोल बहुत दिया था लास्ट टाइम आपको, तो उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं ये पर्सन, सॉरी फील कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन, आपकी वाइब, आपकी एनर्जी बहुत कुछ हो रही है, बहुत कुछ मैच हो रही है। रिश्ते का जो काला सच है ना, आपके पर्सन का ही है। ये पर्सन को लगता है कि आपने इनको बहुत बेहतरीन तरीके से चीट किया है, इनको बहुत बेहतरीन तरीके से ना, इनको इनकी अकल आपने ठिकाने लगा दी है। इनको लगता है कि आपने बहुत बेहतरीन गेम खेला। ये पर्सन को लगता है कि आप ना जैसे कि बड़े ही चालबाज हो। ये पर्सन को लगता है कि आप बड़े ही चालबाज हो। आपने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, आपके एक्सपीरियंस है। शायद आपने इनके दिल के साथ खेल खेला, प्यार नहीं किया। प्यार किया होता तो ये दिन नहीं दिखाया होता आपने। ये पर्सन को ये लगता है कि भाई आपने कहीं ना कहीं इनका दिल तोड़ा है, आपने इनके मन को तकलीफ दी है, आपने इनके दिल को तकलीफ दी है। ये पर्सन अब अकेले हो गए हैं पूरी तरीके से। जैसे होता ना कि पूरे पूरी रात ये पर्सन बैठ के सोचते रहते हैं, दिन भर तो सोच ही रहे थे, पूरी रात भी ये पर्सन सोचते रहते हैं। आपके ये पर्सन, आपके आपकी जो याद है ना, ये पर्सन के पास इतनी आती है कि ये पर्सन अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं, रोक ही नहीं पाते कि मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है। एहसास बहुत अलग अलग होता है ना, बहुत अलग अलग एहसास होता है, बहुत अलग अलग बातें होती हैं। कहते हैं ना हम कि प्यार किया है तो डरना क्यों। आपके पर्सन वही है, प्यार किया तो डरना क्यों, नहीं डरना है। ये पर्सन की फीलिंग्स है कि यार यार मैंने उसको अपनाया है, अब मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ उसको। मैंने उसको अपनाया है, मैंने उसके उससे प्यार किया है, मैंने उसके साथ अपने कनेक्शन को जोड़ा है, मैंने उससे हर एक रिश्ता रखा है, हर एक रिश्ते रखने की कोशिश करी है, उसके साथ रखने की कोशिश करी है, उसको पास बुलाने की कोशिश करी है, लेकिन उसका है कि आना नहीं, आना ही नहीं है उसको। उसको आना ही नहीं है। आप
लाइफ ऐसी हो चुकी है ना जहाँ पे मतलब लगता है जैसे कि सब चीज़ वहीं पे रुका हुआ है, सब कुछ वहीं पे रुका हुआ है यार। ये जो पर्सन है बार बार कह रहे हैं, ये पर्सन के अंदर का जो दर्द है ना वो आप नहीं समझोगे, ये पर्सन को लगता है कि आप नहीं समझ सकते क्योंकि आपके अंदर दिल नहीं है, आपके अंदर वो माया नहीं है। ये पर्सन को क्लैरिटी चाहिए अब, ये पर्सन को अब क्लैरिटी चाहिए, अब अपनी बारी आई है तो इनको क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी इस बात की चाहिए कि आप इनके साथ रहोगे या ये पर्सन मूव ऑन कर जाए। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको बोल दो, सीधे सीधे बोल दो, अगर आप आपको इनके साथ नहीं रहना है तो आप फालतू का टाइम इनका वेस्ट मत करो, ठीक है। ये पर्सन को लगता है कि आप इनका टाइम वेस्ट करते हो, आप जो है ना इनके साथ ठीक नहीं कर रहे हो, आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा है। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि नहीं यार मुझे नहीं कुछ कहना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे कोई भी एनर्जीज ऐसी नहीं वो करनी है। ये पर्सन कह रहे हैं, ये पर्सन का कहना है कि यार जो भी हुआ सो हो गया, अब जो है ना मैं नहीं मानूंगा या अब मैं जो है ना ये चीज़ें नहीं करूंगा। ये पर्सन के अंदर अब ये आ चुका है कि मैं ये चीज़ें नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ये पर्सन बार बार अपने मन को अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ये पर्सन अपने मन को अपने दिल को ना समझा समझा के थक गए हैं। इनका मन बार बार कह रहा है कि यार तू ऐसे मत कर, तू वैसे मत कर। ये पर्सन का मन बार बार कह रहा है, इस पर्सन का दिल बार बार कह रहा है, ठीक है। ये पर्सन का दिल भी कह रहा है कि तू शायद गलती कर रहा है, उसको पहचानने में गलती कर रहा है। आज पूरे दिन आपके पर्सन के अंदर ऐसी वाइब मैं देख पा रही हूँ ना, जो होता ना अनएक्सपेक्टेड सा ही वाइब मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि आप जो है ना माइंड गेम खेलते हो, आप माइंड गेम खेलने वाले पर्सन हो, आप कहीं ना कहीं माइंड गेम खेलते हो शायद, इसलिए जो है ना ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट आपके ऊपर ये पर्सन ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पर्सन को लगता है कि आपके ऊपर ये पर्सन ट्रस्ट कर सकते हैं कब, जब आप खुद चल के इनके तरफ आओगे, आप खुद चल के इनको बताओगे, खुद चल के इनके बताओगे कि आप क्या फील करते हो, आप सच में इनके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो या नो कांटेक्ट में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप। मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन के साथ आप इस तरीके से कनेक्ट होना चाहते हो ना, ये पर्सन को लगता है कि उसे मेरे साथ अगर इंटरेस्ट होगा तो वो आएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी, बात खत्म। ये पर्सन आने वाले 1 महीने तक आपका इंतज़ार करना चाहते हैं, इसके बाद ये पर्सन इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन को क्योंकि आज बहुत याद आई है आपकी, बहुत हर्ट हुए हैं आपके पर्सन, बहुत हर्ट हुए हैं, लग रहा है जैसे कि इनको किसी ने कुछ कह दिया हो, इनको किसी ने कुछ कह दिया हो आपके बारे में और ये पर्सन को पता ना चला हो कि आखिर इनके बारे में क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि मेरे को किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं, मेरे को किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं, ठीक है। ये पर्सन को शायद किसी किसी से कुछ पता भी चला है जिसके बारे में ये पर्सन सोच विचार कर रहे थे आज, पूरे दिल दिल से ये पर्सन आपको याद कर रहे थे आज। जैसे होता ना कि आज बातें होती ना, पूरा पूरा गुस्से गुस्से में बातें होता कि तुमने ये किया मेरे साथ, तुमने वो किया मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो मैं तुम्हें अप्रोच थोड़ी करता, ये वो बहुत सारी कुछ चीज़ें आपके पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। आज पूरे दिन ये पर्सन बेचैन रहे हैं, बेचैनी में इस पर्सन का दिन गुजरा है और ये पर्सन बेचैनी में हर पल हर हर सेकंड रहे हैं, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग कैसी लगी, आपको ये रीडिंग कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।